दोस्तों, जैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए और सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए अच्छे हैबिट्स की जरूरत होती है, गुड हैबिट्स की जरूरत होती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखना और नए नए आइडियाज के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, वैसे ही अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए हमें फाइनेंशियल हैबिट्स की जरूरत होती है, गुड फाइनेंशियल हैबिट्स की जरूरत होती है, जिससे आप अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं और अच्छे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर पाते हैं, नए पैसिव इनकम्स बना पाते हैं और रिटर्न्स जनरेट करने के बहुत सारे रास्ते खोज पाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में, गुड फाइनेंशियल हैबिट्स एंड बैड फाइनेंशियल हैबिट्स। गुड फाइनेंशियल हैबिट्स जो आपके पैसे को कंट्रोल करती हैं, आपके पैसे को बचाती हैं और आपके पैसे को ग्रो करने में और उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने में और नए नए सोर्स ऑफ इनकम्स ढूंढने में, पैसिव इनकम कमाने में आपकी हेल्प करते हैं। वहीं बैड हैबिट्स वो हैबिट्स होती हैं जहां से आप अपने पैसे को गंवाते हैं और सेविंग नहीं कर पाते हैं और अपने बजट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। तो बैड फाइनेंशियल हैबिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। आप जितना भी कमा रहे हैं, जितना भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप उससे ज्यादा खर्च करते हैं, तो ना तो आप अपनी सेविंग कर पाते हैं, ना सेविंग करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और ऐसे कई बार चांसेस आते हैं जहां पे आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने खर्चा चलाने के लिए दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं या लोन लेना पड़ता है। दूसरा बैड फाइनेंशियल हैबिट्स है नॉट स्टिकिंग टू अ बजट। आपको, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने के लिए और सेविंग्स करने के लिए आपको एक बजट बनाना पड़ता है। अगर आप वो बजट बनाते हैं कि इस महीने में मैं कितना खर्च करने वाला हूं और कितना इन्वेस्ट करने वाला हूं, और अगर आप उस बजट के साथ स्टिक रहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पा सकते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बजट तो बनाते हैं लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं और ऐसे टर्म्स कंडीशंस हो जाती हैं कि वह वहां पे बजट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड बैड फाइनेंशियल हैबिट्स। तो आपको जब भी बजट बनाना है उसके साथ स्टिक रहना है, उसको फॉलो करना है। अब आता है तीसरा बैड फाइनेंशियल हैबिट, दैट इज नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग्स। अभी आप हर महीना खर्चा करते हैं लेकिन अगर आप उन खर्चों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आप कितना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट कर आप कितना पैसा किस जगह पे स्पेंड कर रहे हैं और वो स्पेंडिंग आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है, तो अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स को पाना है तो आपको अपने स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। बैड फाइनेंशियल हैबिट्स का फोर्थ पॉइंट आता है नॉट मेकिंग योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये हमारे मुश्किल वक्त में, बैड सिचुएशंस में काम आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं पता कि किस सिचुएशन में कब ये कंडीशंस उलट सकती हैं और चेंज हो सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमको कुछ तो इमरजेंसी फंड हमारे हाथ में होना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशंस में हम उसको इमीडिएटली यूज कर पाए। बैड फाइनेंशियल हैबिट्स का पांचवा पॉइंट आता है, दैट इज इंपल्सिव बाइंग। इसके लिए मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए या फिर ऐसे घूमने के लिए किसी के साथ गए, वहां पे आपने एक चीज देखी, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हो सकती है जो आपको पसंद आई और आपको लगा कि हाँ यार मुझे ये खरीदनी चाहिए, शायद ये मेरे काम आएगी। आप उसको खरीदते हैं और घर पे लेके आते हैं और एक हफ्ते बाद आपको रियलाइज होता है यार जो मैंने लास्ट वीक सामान खरीदा था मेरे काम ही नहीं आया, तो आपको एक छोटा सा गिल्ट फील होता है कि काश मैं वो स्पेंड नहीं करता और सेव कर लेता। अगर ये गिल्ट आपको एक बार आ रही है और आपने उस पर एक्शन लिया, दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपके साथ यही चीज बार बार हो रही है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि बैड फाइनेंशियल हैबिट्स कौन सी होती हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं गुड फाइनेंशियल हैबिट्स की। तो गुड फाइनेंशियल हैबिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, आपको कितना पैसा सेव करना है उसके लिए, और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप अपने गोल को कंप्लीट कर पाए, और आपको अपनी स्पेंडिंग किस तरह से रखनी है, उसको किस तरह से ट्रैक करनी है। तो इस तरह इन सब की प्लानिंग आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है सेट योर मीनिंगफुल फाइनेंशियल गोल्स। तो अपने अपने लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपने अपने करियर स्टार्ट किया है और कुछ सालों में आप शादी करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी शादी के लिए फाइनेंशियल गोल बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि आपको 3 या 4 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी आपकी शादी के लिए।
सेकंड फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी फाइनेंशियल गोल बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको एक टाइम पे जाके उनके कॉलेज के एडमिशन के लिए और फर्दर स्टडीज के लिए बहुत काफी सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास उसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आप अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एसेट्स होना, फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट आता है, क्रिएट अ बजट टू यूज इट टू गाइड योर स्पेंडिंग्स। तो अपनी स्पेंडिंग्स करने से पहले, घर के खर्चे करने के लिए या कहीं भी स्पेंड करने के लिए, सबसे पहले आपको बजट बनाना चाहिए कि इस महीने में मुझे यहाँ पे कितना सा पैसा खर्च करना है, तो इस जगह पे मुझे इस महीने में कितना पैसा खर्च करना है, उसका आपके पास बजट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपने बजट बना लिया और उसको फॉलो नहीं किया फिर इसका कोई मतलब नहीं है, तो उस तरह से आप अपनी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नहीं बना पाएंगे और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। फोर्थ पॉइंट आता है, फाइंड योर पैसिव इनकम एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम्स। देखिए, अपनी इनकम्स को बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आपको पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं, आप जब बिजनेस करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली एक काम के लिए जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे उतना ही पैसा आएगा जितनी देर आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसों को एक अच्छी जगह पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से वो पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता है और आपकी इनकम को भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करनी है, गुड फाइनेंशियल हैबिट्स या बैड फाइनेंशियल हैबिट्स। ऑफ कोर्स गुड फाइनेंशियल हैबिट्स ही डेवलप करेंगे आप। तो गुड फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मैं आपको तीन मनी रूल्स बताने वाला हूं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट टू डेवलप गुड फाइनेंशियल हैबिट्स इन योर लाइफ। इसमें पहला मनी रूल आता है, वेट टू मेक बिग परचेस। तो अगर आप 6,000 के ऊपर का सामान बाय करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, वेट करना चाहिए एक महीने का या 15 दिन का, क्योंकि उतने टाइम में आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो आप सामान खरीदने जा रहे हैं उसकी आपको रियली जरूरत है, या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उस सामान को खरीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम तक आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप उस सामान के बिना रह सकते हैं, आप उस सामान के बिना काम चला सकते हैं, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस सामान के बिना अपना काम नहीं कर सकता, मेरे को इस चीज की बहुत जरूरत है, तो आप उसको खरीदिए। तो अगर आप इस तरह से जाते हैं, तो आप ऐसी चीजें खरीदने से बच जाएंगे जिसको आप सिर्फ घर में लाते हैं और उसका कोई यूज नहीं होता है, फिर आपको बाद में गिल्ट फील होता है कि मैंने इसको क्यों लिया, मैंने क्यों यहाँ पे पैसा खर्च किया। अब मनी रूल का दूसरा पॉइंट आता है, चेक योर बैंक बैलेंस, चेक योर बैंक अकाउंट ऑन डेली एंड रेगुलरली। तो अगर आप रेगुलरली अपना बैंक अकाउंट और उसका बैलेंस चेक करते हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड करने हैं, तो वहां से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नॉन वैल्यूएबल है, आपको उस जगह पे पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाएंगे, फालतू के खर्चे करने से बचेंगे, और आपको पता रहेगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बाकी है और आगे के लिए मुझे किस तरह से मैनेज करना है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है, रीएडजस्ट योर इन्वेस्टमेंट। अब आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए वैसे ही काम करती रहेगी, इसलिए आपको रेगुलरली उस चीज को देखना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस फ्लो में जा रही है, किस ट्रैक पे जा रही है, तो वो आपको कुछ रिटर्न्स कमा के भी दे रही है, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है। तो इस तरह से आप रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को अगर रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वहां से आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे रही है, तो उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल को मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप इस वीडियो का कंटेंट आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में, और आपको पता चल गया होगा कि अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स के कितने फायदे हैं, और इसको अगर हम लाइफ में डेली बेसिस पे यूज करते हैं, डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो हम अपना काफी पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।